यदि आप संकल्प और आत्मविश्वास के साथ काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। जीवन में बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता है। यदि आप भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर फेंकोगे और रुकोगे तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बेहतर होगा कि आप बिस्किट रखिए और आगे बढ़िए। सपने बड़े होने चाहिए, महत्वाकांक्षा अधिक होनी चाहिए, विचारों में गहराई और प्रयासों में महानता होनी चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करो। अपनी मुश्किलों को अवसर में बदलो। आशा, आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ नकारात्मक शक्तियों को चुनौती दें। मुझे विश्वास है कि महत्वाकांक्षा और पहल की अंत में जीत होती है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की उपेक्षा रखता हूं। अपने विचारों को पिछड़ा रखने की बजाय अपने विचारों को उच्च रखें, तभी अंत में आपको सफलता मिलेगी। जो सपने देखने की हिम्मत करता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अगर आप स्वयं अपने सपनों का निर्माण नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपका उपयोग अपने सपनों का निर्माण करने में करेगा। युवाओं को एक अच्छा वातावरण दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें जो चाहिए वो सहयोग प्रदान करिए। उनमें से हर एक अपार ऊर्जा का स्रोत है, वो कर दिखाएगा। अवसर आपके चारों ओर हैं, इन्हें पहचानिए और इनका लाभ उठाइए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अवसर को प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर है। मैं मानता हूं कि अवसर हम सभी के चारों ओर हैं, पर कुछ लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और बाकी केवल खड़े रहते हैं और अवसरों को जाने देते हैं। किसी भी चीज के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए नई कल्पना कीजिए, क्योंकि कल्पना ही हर किसी के सफल होने का प्रमुख कारण है। किसी भी कार्य में आपको लाभ प्राप्त करने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा। आपको लाभ देने के लिए कोई आमंत्रित नहीं करेगा। जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं उनके लिए जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है। मेरे जीवन में रिश्ते और विश्वास ही मेरे विकास के नींव हैं। मेरी सफलता का राज मेरी महत्वाकांक्षा और दूसरे लोगों का मन जानना है। मैं अपने जीवन में आखिरी सांस तक काम करता रहूंगा। रिटायर होने के लिए एक ही जगह है, वो है शमशान घाट। हम अपने शासकों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें कम से कम यह सिखा सकते हैं कि हम पर कैसे शासन किया जाए। जब आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। हम भारतीयों की समस्या यह है कि हमने बड़ा सोचने की आदत खो दी है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य का पीछा करें, कठिनाइयों को अवसर में बदलें। मैं भारत को एक महान आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देखता हूं।